नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप। आज हम आपके लेकर आए हैं इंडियन स्पाइसेस बोर्ड में निकली हुई भर्ती के बारे में। इंडियन स्पाइसेस बोर्ड के द्वारा भर्ती जारी की गई है और इस पोस्ट को यदि आपको अप्लाई करना है तो ये वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा। इस वीडियो में हम आपको पूरी जानकारी बताएंगे कि आप किस तरीके से इस पोस्ट को अप्लाई कर सकते हो और जॉब पा सकते हो जो कि इंडियन स्पाइसेस बोर्ड के द्वारा रखी गई है। तो दोस्तों, आगे बढ़ने के पहले हम आपको बताना चाहेंगे कि यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत इस लाल सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस करें, क्योंकि यदि आप बेल आइकन को प्रेस करोगे तो ही आपको जॉब्स के जो अपडेट्स हैं आते रहेंगे, वरना आपको जॉब्स के जो अपडेट्स हैं नहीं आएंगे और आप लेटेस्ट वैकेंसीज से वंचित रह सकते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हो इंडियन स्पाइसेस बोर्ड के द्वारा ये भर्ती जारी की गई है। मार्केट रिसर्च ट्रेनी और स्टैटिस्टिकल एनालिसिस ट्रेनी के पोस्ट के लिए भर्ती हो रही है। नंबर ऑफ वैकेंसीज वेरियस पोस्ट है, एग्जैक्ट नंबर ऑफ वैकेंसीज कितनी है बताया नहीं गया है। पे स्केल आपको अच्छी खासी यहाँ पर मिल जाएगी और यहाँ पर आप देख सकते हो पे स्केल 18,000 है, तो सिलेक्ट होने पे आपकी आपको जो पेमेंट है अच्छा खासा यानी 18,000 मिल जाएगा। जॉब लोकेशन जो है यहाँ पर केरला है, तो सिलेक्ट होने पे आपकी पोस्टिंग केरला में होगी। तो जो भी हमारे उम्मीदवार केरला से है या केरला में जॉब पाना चाहते हैं, इस पोस्ट को तुरंत अप्लाई कर आपका एप्लीकेशन निश्चित कर लीजिएगा, क्योंकि ये सुनहरा मौका वापस नहीं आएगा। तो दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हो 18,000 तक आपको वेतन मिल रहा है। पोस्ट का नाम है पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री पास ट्रेनिंग की पोस्ट है और एजुकेशन क्वालिफिकेशन। इस पोस्ट को अप्लाई करने के लिए आपको पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री प्राप्त होना जरूरी है। एज लिमिट यहाँ पर अधिकतम 30 साल है, यानी मैक्सिमम 30 साल के उम्मीदवार इस पोस्ट को अप्लाई कर सकते हैं। एज रिलैक्सेशन यहाँ पर अप्लीकेबल होने के कारण आपको आपके एज में भी यहाँ पर रिलैक्सेशन मिल जाएगी। शेड्यूल कास्ट कैटेगरी कैंडिडेट्स के लिए 5 साल एज रिलैक्सेशन है। यहाँ पर एससी एसटी कैटेगरी कैंडिडेट्स के लिए 3 साल है और पर्सन विद डिसेबिलिटी कैटेगरी कैंडिडेट्स के लिए 10 साल का एज रिलैक्सेशन रखा गया है। सिलेक्शन प्रोसीजर रिटर्न टेस्ट और इंटरव्यू के द्वारा होगी। स्टार्टिंग डेट अप्लाई करने के लिए 6 फरवरी 2019 है और 6 फरवरी से 12 फरवरी तक आप इस पोस्ट को अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पर देखा जाए तो वॉक इन इंटरव्यू हो रहा है, तो आपको वेन्यू पे जाना होगा वॉक इन इंटरव्यू अटेंड करने के लिए। 12 फरवरी को ये वॉक इन इंटरव्यू हो रही है, कब कैसे कहाँ हो रही है वॉक इन इंटरव्यू उसके बारे में हम जानकारी देखेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हो ट्रेनिंग लोकेशन है कोच्चि केरला। नंबर ऑफ जो एज लिमिट है यहाँ पर 30 साल है, अधिकतम 30 साल के उम्मीदवार अप्लाई कर सकते हैं। वॉक इन टेस्ट आपकी ली जाएगी। टेन्योर जो है 1 साल है, यानी 1 साल के लिए ये भर्ती हो रही है, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे है। आगे जाकर जो कॉन्ट्रैक्ट है बढ़ाया जा सकता है। लीव एलिजिबिलिटी 1 डे पर मंथ, यानी आपको प्रति माह एक लीव मिल जाएगी। क्वालिफिकेशन पोस्ट ग्रेजुएट होना आपको ज़रूरी है, एमबीए और 2 ईयर्स पीजी डिप्लोमा प्राप्त उम्मीदवार भी इस पोस्ट को अप्लाई कर सकते हैं। फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूशन विद 60% मार्क्स, पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री आपको प्राप्त होना ज़रूरी है और एमबीए तथा 2 ईयर्स पीजी डिप्लोमा भी आपने यदि किया है तो भी आप अप्लाई कर सकते हो इस पोस्ट को। और अच्छा, यहाँ पर अच्छी तरीके से पूरी जानकारी बताई गई है। साउंड नॉलेज ऑफ इंटरनेशनल बिजनेस प्रोड्यूसर्स एंड प्रैक्टिसेस, एबिलिटी टू कैरी आउट ट्रेड पॉलिसी ओरिएंटेड रिसर्च, स्ट्रॉन्ग मैथमेटिकल एंड एनालिटिकल स्किल्स, ये सब स्किल्स आपके पास होने ज़रूरी है तो आप आसानी से इस पोस्ट को अप्लाई कर सकोगे। तो जो भी हमारे उम्मीदवार अप्लाई करना चाहते हैं, ये वेन्यू है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, सुगंधा भवन, NH बाईपास, ये एड्रेस है कोच्चि का। यहाँ पर जाकर आपको वॉक इन इंटरव्यू अटेंड करना है। 9:30 से 11:30 के बीच आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने वाला है और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद आप अप्लाई कर सकते हो और वॉक इन जो टेस्ट है उसे दे सकते हो। ये एनेक्सर है और यहाँ पर आप देख सकते हो एप्लीकेशन का फॉर्मेट दिया गया है। इस एप्लीकेशन के फॉर्मेट को आपको फिल करना है और दिए गए एड्रेस पर आपका एप्लीकेशन भेज देना है, या वहाँ पर आपके बायोडाटा आपको जो फॉर्मेट दिया गया उस फॉर्मेट में भरना है। तो जो भी हमारे उम्मीदवार अप्लाई करना चाहते हैं, जल्द से जल्द आवेदन कर आपका एप्लीकेशन निश्चित करें। आशा करते हैं वीडियो आपके पसंद आई होगी। हम मिलेंगे आपके साथ ऐसे किसी और वीडियो में। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।